हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये 6 सेमेस्टर वालों का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि है हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी कॉलेजेस हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी जो जी का कोर्स ऑफर करते हैं, उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हाल ही जो 2022 के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ है, ये उन बच्चों का पेपर था, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, जैसे पेपर का जो टाइटल है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये कोर्स नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 80, और आपको रिक्वायर्ड होते हैं 32, ठीक है। और टाइम आपके पास होता है 2.5 घंटे का, मतलब 32 आपको मिनिमम चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा आप जितने मर्जी लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है 2 सेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपने, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करने हैं, अगर नहीं हो रही है तो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन के अंदर होता है पेपर, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर क्या होता है कि सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये सारे के सारे इसके जो पार्ट्स होते हैं कंपलसरी होते हैं, आपको हर पार्ट करना है। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला कहता है व्हाट आर एपिमियर्स, क्या है, ठीक है। फिर नॉर्मन क्लिचर लिखने हैं आपने ऑफ डाइपेप्टाइड, जैसे वेलाइन और एलिनाइन, ठीक है। तो ये आपको पता है अमीनो एसिड है हमारे। उसके बाद कहता है SAR क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोज का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ड्रा करना है, ठीक है, 1 मार्क्स का है। कोई आपको 2 अनसैचुरेटेड फैट्स की एग्जांपल बतानी है, नेम्स बताने हैं। फिर कहता है कि ट्रू और फॉल्स आपको स्टेट करना है कि लॉक और की जो थ्योरी थी वो प्रपोज करी थी फिशर के द्वारा, लॉक एंड की थ्योरी पता है ना आपको, जो एंजाइम की थ्योरी थी, तो ये क्या फिशर ने दी थी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद कहता है आपको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना है अल्फा डी, ये हमारा ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ जो हमारे हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इसकी हेल्प से आपने स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का ड्रा करना है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन थे ये 1 मार्क्स के ही थे। उसके बाद कहता है डिफरेंस बिटवीन स्टार्च और सेलुलोज में आपको डिफरेंशिएट करना है और कोई 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का ही। फिर कहता है राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ जो सेंगर्स रीजेंट थे यूज फॉर एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस करने के लिए यूज़ किए जाते थे, तो उसका नाम लिखो और फार्मूला लिखो, ठीक है। फिर मेन फंक्शन क्या है DNA के, और राइट शॉर्ट नोट ऑन आयोडीन नंबर, आयोडीन नंबर क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है 2 मार्क्स का। तो यहाँ हो जाती है हमारी जो पार्ट ए था कम्प्लीट। उसके बाद पार्ट बी शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हर यूनिट से आपको जो है वो 2 क्वेश्चन आए होते हैं, ठीक है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आए होते हैं और आपको कोई 1 जो है वो अटैम्प्ट करना है, ये आप सबको पैटर्न पता है। और हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है इक्वल मार्क्स, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 2 से हमें आया हुआ है कि डिस्कस, ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो कहता है डिस्कस मैरिफाइड पेप्टाइड्स सिंथेसिस, तो इसको आपने डिस्कस करना है। फिर कहता है नोट लिखो क्लासिकल मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस का, क्लासिकल मेथड जो है उसके ऊपर नोट लिखना है 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो कैरी कर रहा है 16 मार्क्स। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये चॉइस आ जाती है हमारी, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, ठीक है। कहता है कि प्रोटीन को डिफाइन करो कि प्रोटीन क्या है और एक्सप्लेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो आपको एक्सप्लेन करना है, ये 12 मार्क्स का है। उसके बाद कहता है डिफाइन प्रोटेक्टेड ग्रुप यूज इन पेप्टाइड सिंथीसिस, ठीक है। तो कौन कौन से जो प्रोटेक्टेड ग्रुप यूज़ किए जाते हैं पेप्टाइड सिंथीसिस में, उसको डिफाइन करना है एंड व्हाट आर इट्स क्राइटेरिया, क्या होना चाहिए, तो ये 4 मार्क्स का है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे टेम्परेचर हो गया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, सारी की सारी। फिर आपको डिस्कस करना है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करो को एंजाइम क्या होती है, ठीक है, तो ये आप सबको पता है एक को एंजाइम होती है ना, एक को फैक्टर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद हमारी चॉइस आती है 5th, कहता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, तो ये पढ़ लेना अच्छे से, और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन दी कोफैक्टर्स, तो ये 4 मार्क्स का है। उसके बाद 6th हमारा 4th यूनिट आ जाता है, यहाँ से हमसे कहता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, डिस्कस कर लो इसको, और 12 मार्क्स का है ये। उसके बाद कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और डिस्कस करना है आपने स्ट्रक्चर ऑफ tRNA,
ठीक है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है हमारा। फिर इसके साथ बी पार्ट कहता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन और ग्वानिन। पता है ना आपको सबको, क्वाडिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरैसिल क्या है, ये सारे के सारे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा मुझे। ये 4 मार्क्स का है। उसके बाद इसके बाद चॉइस आती है, हमसे कहता है एक्सप्लेन डिटेल वाटसन और क्रिक जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, इनको बाद में अवार्ड भी मिला था नोबेल प्राइज़, है ना। फिर डिस्कस इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसकी। उसके बाद कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है। देखो बिल्कुल आसान बेसिक लेवल का पेपर आता है। उसके बाद हमसे कहता है यूनिट नंबर फिफ्थ से कहता है व्हाट आर लिपिड्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर बी पार्ट हमसे कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट्स और ऑयल्स में क्या फ़र्क है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये 4 मार्क्स का है और 1 मार्क्स जो ए पार्ट है वो 12 मार्क्स का है। इसके साथ ही हमारी आती है इसके साथ चॉइस जो हमसे कहता है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और डिस्कस करो ग्लाइकोलिसिस, ये आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होती है ना, और एक्सप्लेन करो फर्मेंटेशन, तो ये फर्मेंटेशन हमारा 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर जो कि था केमिस्ट्री का 6 सेमेस्टर वालों का, जो मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारे कॉलेजेस क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो जम्मू के अंदर है उसके अंदर एफिलेटेड कॉलेज जो हैं, ये उन सभी बच्चों का जो है वो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि किस टाइप का पेपर आता है, यहाँ से आपको एक जनरल आइडिया जो है बच्चों को हो जाता है, ठीक है। और ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे।